हाय फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेड इजी वीडियोस में पार्ट टू सिटीजनशिप कर रहे हैं हम। आर्टिकल्स 5-11 इसमें है, आर्टिकल 10 तक कर चुके हैं, ये लास्ट आर्टिकल है, सबसे छोटा है ये। एक ही क्वेश्चन बनती है इसमें, देखते हैं। दिस इज़ अबाउट पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो ये इसी से समझ आ रहा है कि राइट ऑफ किसी के लिए राइट नहीं है, ये राइट ये सिटीजनशिप का राइट पार्लियामेंट रेगुलेट करती है। तो नथिंग इन द फोर गोइंग प्रोविजन्स, फोर गोइंग मतलब आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक जो भी प्रोविजन्स हैं ऑफ दिस पार्ट शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। तो मेन ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल 10 में भी यही कहा गया, किसी का भी सिटीजनशिप कंटिन्यू कैसे होता है, पार्लियामेंट कोई लॉस प्रोविजन्स होता है तो उसी के बेसिस पे होता है, ये भी ऑलमोस्ट वही है। तो इसका सिटीजनशिप का रेगुलेशन सिर्फ पार्लियामेंट का राइट है। तो एक कोई भी प्रोविजन में, कोई आर्टिकल 5 में कोई सिटीज़न बन गया, 6 के थ्रू कोई डीम्ड सिटीज़न हो गया, या 8 के थ्रू कोई डीम्ड सिटीज़न हो गया, लेकिन इन सब का सिटीजनशिप का राइट्स नहीं होते हैं, पार्लियामेंट के पास राइट्स होते हैं इनको चेंज करने का, किसी का सिटीजनशिप टर्मिनेट करने का, किसी बाहर के पर्सन को एक सिटीजनशिप देने का राइट्स पार्लियामेंट के पास ही होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है देखते हैं। एक ही है, विच इज़ द रेगुलेटरी बॉडी विद रिगार्ड्स टू सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन। तो कन्फ्यूज़ करेंगे हमको, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा ओनली, लॉ मिनिस्टर, ये सब देख के हमें लगता है कि हाँ सबके पास पावर हो सकता है। चीफ जस्टिस जुडिशरी हैं, जुडिशरी की बात है तो कैसे नहीं हो सकता है, लॉ मिनिस्टर के पास भी होना चाहिए। तो लोकसभा लॉस बनाती है तो सिर्फ इसके पास होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट सबका हेड है तो इनके पास होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर है पार्लियामेंट। ठीक है, तो हम आर्टिकल 11 तक आ गए हैं, पार्ट टू खत्म हो गया है। तो टू सम अप, एक छोटा सा ड्राइंग से देखते हैं आर्टिकल 5 में क्या है। अगर इंडिया ऐसा है, आर्टिकल 5 में यह है कि जो ये पाकिस्तान समझे, तो इंडिया में जो रह गए हैं, इंडिया पोर्शन में जो रह गए हैं, इनके सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 6 जो है, जो पाकिस्तान के साइड से इंडिया की तरफ आ गए हैं, उनके सिटीजनशिप के राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 7 जो है, ये इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की तरफ जो चले गए उनको कैसे सिटीजनशिप नहीं होता है उसके बारे में है। आर्टिकल 8 में, जो इंडिया में पैदा हो गए हैं, पेरेंट्स पैदा हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हो गए, लेकिन कहीं कहीं रह रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, उनके राइट्स के बारे में है। आर्टिकल 9 में जो है, पर्सन्स वॉलंट्रीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट। तो बाहर के स्टेट में जाके कोई सिटीजनशिप वॉलंट्रीली एक्वायर करते हैं उनके बारे में है, कैसे सिटीजनशिप निकल जाते हैं उनके बारे में है। आर्टिकल 10 में जो है, जो भी सिटीजन्स हैं, कैसे भी रूल से सिटीजन्स आ गए तो इनका सिटीजनशिप कंटिन्यू कैसे होता है इसके बारे में है। आर्टिकल फाइनल आर्टिकल इस पार्ट का आर्टिकल 11 में, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। कौन रेगुलेट करता है? पार्लियामेंट। तो ये हैं, अगले वीडियो में हम सारे इस आर्टिकल्स को, पार्ट टू के सारे आर्टिकल्स को वन बाय वन पॉसिबल, सिर्फ पॉसिबल क्वेश्चंस मतलब एज ए रिवीजन देखेंगे पार्ट टू सिटीजनशिप। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।